इवनिंग। तो आप सब लोग तैयार हैं। आज हम जो सी मॉड्यूल को, जैसा कि हमने बताया था, उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। और अगर वो स्टार्ट करेंगे तो वैसे तो सरफेसी एक्ट की क्लास शिवरात्रि वाले दिन हमने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसका सेकंड पार्ट नहीं कवर करते हुए हम कुछ और एक्ट कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपका इसमें डीआरटी दिया हुआ है, तो डीआरटी को कवर करने की पहले सोच रहे हैं और उसके बाद और एक्ट को। अभी मैं एक बार रिव्यू करता हूँ। और डीआरटी को ही कवर करते हैं आज, क्योंकि डीआरटी अगर कवर होगा तो सरफेसी और डीआरटी मिलके 5-6 क्वेश्चंस आपके वहां पर कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर जो न्यू बुक में है उसमें 29 नंबर यूनिट है। ये डीआरटी में न्यू जो बुक है 5th एडिशन की, उसमें 29th नंबर की यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे। ये स्क्रीन पे आपके मैं वो यूनिट को लेके आ रहा हूँ जो हमें आज कवर करनी है। और अगर हम डीआरटी की बात करें तो डीआरटी जो है, हम लोग जानते तो डीआरटी है, लेकिन एक्चुअली इसका जो नेम है वो कुछ और है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थोड़ा एक बार अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। रिकवरी ऑफ डेट्स, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड एफआई एक्ट, मींस बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेट्स जो ड्यू हैं उनकी रिकवरी करने वाला एक्ट। और इसको बेसिकली डीआरटी एक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इस एक्ट में पहली बार जो डीआरटी के हमारे कोर्ट होते हैं या ट्रिब्यूनल होते हैं उनका नाम आया। तो ये नाम आपने जब सरफेसी पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कानून जो है पहले से आ चुका था और डीआरटी पहले से बन चुके थे, तो वो डीआरटी रिकवरी के लिए बने थे, इसलिए सरफेसी के लिए कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाए गए। और सरफेसी के सारे मामले इस डीआरटी कोर्ट में ही देखे गए। ठीक है, बेसिक अगर मैं बात करूं, जो पुरानी बेस्ड है सारी बातें, वो सारी बातें हमारी वही हैं जो कि हमारी होती हैं आपके नॉर्मल रिकवरी वाले में। मैंने सरफेसी बताई। ठीक है, अब एक बात, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, ये एक्ट आने का क्या रीजन रहा? तो जब ये एक्ट आया तो हाई कोर्ट में, दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई ये क्यों बनाया गया, जब सिविल कोर्ट डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं और हाई कोर्ट उनको कर रहा है, और ऑफ द हाई कोर्ट हैव बीन डिप्राइव टू देयर ज्यूरिसडिक्शन एंड देयर फोर इट इज अगेंस्ट द थीम ऑफ, मीन्स हाई कोर्ट की पावर को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के बराबर डीआरटी को पावर दी गई इस मामले में। ने कहा जब हाई कोर्ट बनाओ क्यों बना रहे, ऐसा सब डिस्कशन चलता रहा। लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द पार्लियामेंट अलोन कैन इनेक्ट लॉ इन रिगार्ड ऑफ बैंकिंग बिजनेस
विच इंक्लूड रिकवरी ऑफ बैंक ड्यू। तो उसने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसको कानून बनाने की पावर है बैंकिंग बिजनेस के सही से वो करने के लिए, तो इसलिए बोला उसने ट्रिब्यूनल वैलिड है। क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी वाज रेफर टू सुप्रीम कोर्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक, हाउ आर इट वाज डिसाइडेड बाय डीआरटी मैकेनिज्म इज नॉट एप्लीकेबल टू द ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स सिंस द रिकवरी मैकेनिज्म इन दोज बैंक्स इज सेपरेट एंड इज वर्किंग सेटिस्फैक्टरी। तो यहां पर उसने बोला कि हाउ एवर इफ इट वॉज डिसाइडेड कि कोऑपरेटिव बैंक्स को इससे अलग रखा जाए। अब कोई मुझे आप आंसर कर पाएंगे क्या डीआरटी कोऑपरेटिव बैंक डीआरटी में जा सकते हैं? बोलिए, किसी को मालूम है ये बात? नहीं सर, नहीं मालूम। इनिशियली जो कॉपरेटिव बैंक्स थे उनको इसमें कवर नहीं किया, इनिशियली तो आरआरबी को भी कवर नहीं किया था, ठीक है? तो लेकिन बाद में तय हुआ कि नहीं, कॉपरेटिव बैंक को भी उसमें कवर कर लिया गया था, ठीक है? इसमें अपडेट नहीं हुआ है। सामने में स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए स्क्रीन पे 2020 का मामला है। तो इसने बोला बैंकिंग रिलेटिंग रिलेटिंग टू कॉरपोरेटिव कॉपरेटिव कैन बी इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ द एंट्री 45 ऑफ लिस्ट दिस वन एंड इट कैन नॉट बी सेट टू बी ओवर इंक्लूजन ऑफ टू कवर प्रोविजन ऑफ रिकवरी बाई कॉपरेटिव बैंक। तो इसमें जो है इन्होंने वो कवर कर लिया, रिकवरी ऑफ ड्यूज उसको इसेंशियल मानते हुए उसको उन्होंने कवर कर लिया। तो आप ये कहेंगे कि कॉपरेटिव बैंक भी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी में इंक्लूड किया गया ये सरफेसी से रिगार्डिंग एक्टिविटी के लिए, तो कॉपरेटिव बैंक को भी इसमें कवर कर लिया। शुरू में तो आरआरबी भी नहीं थे, बाद में क्या किया गया आरआरबी को भी इंक्लूड करा गया। तो क्योंकि रिकवरी का जो मामला है, ठीक है, रिकवरी का मामला ऐसा है कि भैया बैंक की रिकवरी तो देनी पड़ेगी, यानी बैंक का जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? प्रियम्बल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन। तो हमने जैसे बताया कि प्रियम्बल कि भैया प्रियम्बल में खास बात होती है क्यों लगा ऐसा वैसा, ठीक है? दूसरी बात कमेंसमेंट की बात करते हैं तो 24th of 1993 को हुआ और एप्लीकेबल है सारे इंडिया में, जे एंड के से कोई मतलब अब नहीं रह गया। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द केस वेयर द अमाउंट इज डेट ड्यू टू द बैंक इज 20 लाख एंड मोर। तो कई लोग इसको 10 करते हैं, वो नहीं है, ठीक है? एपलेट ट्रिब्यूनल क्या हुआ, इसी कोर्ट ने एक और कोर्ट बना रखी अपने ऊपर जिसका नाम डीआरएटी। एप्लीकेशन का मतलब जो भी रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आएगी उसको एप्लीकेशन। अपॉइंटेड डे का मतलब है ए ट्रिब्यूनल और एन एपलेट ट्रिब्यूनल मीन्स डेट ऑन विच सच ट्रिब्यूनल इज जिस दिन वो एस्टेब्लिश हुआ। बैंक का मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनी, करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज बैंक, ठीक है, और नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ए आर आर बी, आगे आर आर बी भी, ठीक है? और इसमें एज पर द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी के बाद डेफिनेशन बैंक इज एम टू बी इंक्लूड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन द डेफिनेशन, ठीक है? चेयरपर्सन में जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का बॉस होता है उसको चेयरपर्सन बोलते हैं। देखो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है डीआरटी और डीआरटी के बाद होता है डीआरएटी। डीआरटी का बॉस जो होता है पीओ होता है और डीआरएटी का बॉस चेयरपर्सन होता है। पीओ का मतलब है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर,
ठीक है। ये एक्ट बेसिकली बैंकों में जो पुराने जमाने में रिकवरी नहीं हो पाती थी उनको फास्ट करने के लिए बनाया था। शुरू में 10 लाख से ऊपर के केस जाते थे, अभी इसमें 20 एंड 20 एंड अबव के आते हैं, ठीक है। उससे छोटे केस इसमें नहीं आते, लेकिन अभी भी क्योंकि स्टे मिला हुआ है किसी किसी कोर्ट को, तो स्टे की वजह से वहां पर 10 लाख से ऊपर केस नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक्ट में जब बात आएगी, क्वेश्चन में जब बात आएगी, तो आप इसका आंसर 20 ही करेंगे। एक्ट ने तो 20 कर दिया। स्टे लगने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्ट लागू नहीं हुआ, स्टे लगने का मतलब है उस पॉइंट पे अभी उसको उसी स्थिति में रखा गया है। द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इज अबाउट अ डेट, डेट का मतलब कर्जा क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है, जो सरफेसी एक्ट जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह के हैं सारे पॉइंट जो हमने उस दिन पढ़ा था। लायबिलिटी कोई भी, चाहे उसमें इंटरेस्ट हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, और लायबिलिटी कोई भी, चाहे डिक्री से पेमेंट होना हो, चाहे सिविल कोर्ट के उससे पेमेंट होनी हो, या किसी भी तरह से, या आर्बिट्रेशन कोर्ट से होनी हो। एनी लायबिलिटी पेबल अंडर ए मॉर्गेज और सबसिस्टिंग ऑन एंड एंड लीगली रिकवरेबल ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और उसका लीगली रिकवर होना था उसका, उस पेमेंट का, ठीक है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द डिफरेंट। तो डेट को ना कई कोर्टों ने उन्होंने बताया कि भैया कोई भी ऐसी मनी अगर ओवरड्रॉन भी हो गई है तो वो भी रिकवरेबल होती है, ठीक है। केस में बताया गया, कई बार होता है ना एटीएम से या गलती से ओवरड्रा हो जाए तो उसे नहीं रिकवर करेंगे, वो भी ड्यू माना जाता है, डेट माना जाता है, कर्जा माना जाता है बैंक को, ठीक है, बैंक का देना होता है। और अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर लिया, मनी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, उस कंडीशन में उसको डेट नहीं माना, यानी वो वाला केस कभी भी डीआरटी में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका को मतलब उसमें क्रिमिनल, उसमें जाएगा फ्रॉड के उसमें, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या इसमें ये भी देख ध्यान रखना, एआरसी को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने बोल दिया डीआरटी का बॉस होता है, रिकवरी ऑफिसर जो डीआरएटी होता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, सॉरी रिकवरी ऑफिसर डीआरटी के अंदर कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि रिकवरी ऑफिसर को कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर द हेल्प हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की हेल्प करने के लिए कुछ पुलिस समझ लो आप, ट्रिब्यूनल की हेल्प करने के लिए जो पुलिस अपॉइंट करी जाती है उसको हमने रिकवरी, रिकवरी अमीन होते हैं ना, जैसे जब आप आरसी काटते हैं तो उसमें भी रिकवरी करते हैं लोग, तो उस तरह का कुछ, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ट्रिब्यूनल का और एपीलेट ट्रिब्यूनल का, कैसे ये काम करता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीआरटी बना दिया और इसके लिए बोला उसने, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल गजट, उसमें अनाउंसमेंट कर दिया। कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में कौन होगा, तो सबसे पहले बोला उसने कि ओनली वन पर्सन कॉल प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द अपॉइंटमेंट वॉज डन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा बोला हुआ हैज द पावर टू ऑथोराइज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द अदर ट्रिब्यूनल, मीन्स अगर उत्तराखंड का ट्रिब्यूनल का कोई जज है जिसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, वही पंजाब का भी संभाल सकता है, एक से ज्यादा का मतलब। क्वालिफिकेशन क्या है उसमें, उसने बोला कि जो भी बनना चाहेगा, तो उन्होंने कहा ही इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का लेवल का बंदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, चाहे वो है, चाहे वो था, चाहे वो उसकी क्वालिफिकेशन रखता है, तो भी हो जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ और ट्रिब्यूनल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर
और 62 ईयर, ठीक है, 62 ईयर तक और 5 ईयर तक वो रह सकता है। स्टाफ में बताया, तो स्टाफ जो ट्रिब्यूनल ऑफिसर होगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, उसके पास एक से ज्यादा कौन हो सर सकते हैं? ये लिमिट दे दी डेट चेंज हुआ क्या? है? ये जो पीओ का जो टर्म है वो चेंज हुआ है? सर अच्छा, पीओ का रिजल्टिंग टेन्योर चेंज हो गया है, तो प्रिजाइडिंग फाइव, हाँ, का 65 हो गया है और या फाइव सेवन? इज ईयर, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4 ईयर है सर और 65 एज, अच्छा, एज 65 कर दिए, टेन्योर जो है उसका 4 फोर ईयर ईयर कर ये दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ना। ट्वेल्थ जुलाई का ये एडवर्टीजमेंट दिख रहा है इसमें, इसमें बहुत सारे हेलो। इसमें एक तो ये रूल चेंज हुआ थोड़ा सा कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट अनलेस, जब तक वो क्या ना हो, डिस्ट्रिक्ट जज ये बोला हुआ अनलेस ही इज हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज, मीन्स या तो हो या रहा हो या डिस्ट्रिक्ट जज की उसमें रहा हो, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। मतलब उसे जज होना क्या कर दिया उन्होंने, कंपलसरी कर दिया। और पुराने रूल में क्या था कि अगर उसका क्वालिफिकेशन है तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैडम ये ठीक बता रही है, सही है जो नहीं वो तो बता। ठीक है, मैं केवल अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कर रहा हूँ, वो पता है पिछले बार भी पढ़ाया था हमने, लेकिन क्या होता है कि वहाँ एग्जाम में कुछ कनेक्ट होने के लिए, कुछ मेमोरी बढ़ाने के लिए मैं ये काम करता हूँ, थोड़ा सा मेमोराइज रहता है ना इन हरकतों से। इसमें कहीं लिखा नहीं है इन्होंने, अच्छा ये कह रहा है कि 2020 में जो रूल आए थे उसके अकॉर्डिंग होगा, तो 2020 के रूल समय थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है? अगर क्वेश्चन आएगा आपसे, आपके सामने कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, तो क्या आंसर करोगे? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट है सामने दिख रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है।
ये है, क्या लिखा हुआ, 4 ईयर टिल ही अटेन द एज ऑफ 65, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं, जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये कितना हो गया, 65, ये हो गया 65 और ये हो गया 4 ईयर, और ठीक है। स्टाफ में बोला कि वो एक तो खुद और अपने साथ साथ कौन रख सकता है, वो वन और मोर रिकवरी ऑफिसर, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल की जब बात कर रहे हैं, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन बॉस है, मैंने बताया था अभी आपको, चेयर पर्सन, कौन है उसमें, चेयर पर्सन। और चेयर पर्सन जो होता है, ये लिखा हुआ, द पर्सन ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड द चेयर पर्सन अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको भी कौन अपॉइंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। आर्यन जी, अब चेयर पर्सन के भी ऐसे रूल होंगे, चेयर पर्सन जो है, कोई बता सकता है कौन से लेवल के जज चेयर पर्सन बन सकते हैं, हाई कोर्ट हाई के कोर्ट के। भाई इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और इसमें क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसे एक्सपीरियंस हो सर डिस्ट्रिक्ट जज वाले को ना 3 साल का। हाँ, या उसके पास एक्सपीरियंस हो, भाई मैं खोल दे रहा हूँ जी ना, यहाँ पर ये चेयरपर्सन के लिए आ गया रूल। तो चेयरपर्सन के जो रूल है उसमें उसने बोला है, ये इसके एलिजिबिलिटी देख लो आप जरा क्या क्या है। इज और हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट और मेंबर हो इंडियन लीगल सर्विसेज का विथ 10 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, और एनी इक्विवेलेंट और एनी हायर पोस्ट ऑफ 2 ईयर। तो यहाँ तो उसने 10 ईयर बोला हुआ इन लिटिगेशन एंड हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ, मींस इंडियन लीगल सर्विसेज में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट में कम से कम 2 साल जरूर रहा, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो उसी, जैसे है ना DRT और DRAT। तो अगर यहाँ पर भी उसने 3 साल काटे हैं एज ए PO, तो वो भी जो है चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 इयर्स, 50 इयर्स शैल नॉट बी, मतलब 50 साल से अगर छोटा है तो नहीं बनाएंगे, और मैक्सिमम पीरियड उसका कितना है, 75 ईयर, ठीक है, 4 ईयर के लिए। तो 4 ईयर के लिए है, मान लिया कोई 66 ईयर में ज्वाइन करता है तो 70 तक चलेगा, 67 में ज्वाइन करता है तो भी 70 तक चलेगा, और अगर 64 में चलता है तो 68 तक करेगा, ठीक है। और बाकी उसको जो भी हाई कोर्ट के जज की जैसी भी फैसिलिटी होती है, वो सारी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड होती है, ठीक है। एक बार बुक में देख लेते हैं क्योंकि कई बार अपडेट नहीं हो पाता है। क्वालिफिकेशन में देख लो क्या बोला, इसने सारे पॉइंट तो लगभग वही कवर किए हुए हैं, ठीक, लास्ट 3 ईयर से। और यहाँ पर जो इसने बोला हुआ है इंडियन लीगल सर्विस का, क्या बोला हुआ उसने, कौन सा सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के लेवल का, 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए,
और एज 65 की जगह कितनी हो गई 70, और टर्म कितनी हो गई, ठीक है। और एक कंडीशन और लगा दिए कि एज उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू और मोर देन कितनी होनी चाहिए, 50। 50 है, ठीक है। कैसे फिलिंग अप करेंगे वैकेंसी, तो पहले ही बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। जैसे अभी हम लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, किसने निकाला हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाला, फाइनेंस सर्विसेज ने, ठीक है। फाइनलिटी ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग ट्रिब्यूनल एंड अपील, उनका ऑर्डर का क्या रहेगा, नो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और द चेयर पर्सन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। वो जिसको बना देगी आप उस पर अपील नहीं कर पाएंगे। ये बोला है कि फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर क्या होगी ट्रिब्यूनल को बनाने की, किसको पावर दिया, प्रिजाइडिंग ओ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। और नो एक्ट और प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल और अपील कैन बी क्वेश्चन इन एनी मैनर ऑन ग्राउंड मेयरली एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स उसके ऑर्डर को कोई भी ये कह के चैलेंज नहीं करेगा, ये तो ट्रिब्यूनल ही गलत बना है, या अपेलेट ट्रिब्यूनल ही गलत बना है, या इसमें अपॉइंटमेंट इसका वो ही गलत, इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा कोई कानून। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन कैन बी ए 3 month रिटर्न नोटिस, वो लोग रिजाइन कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी रिमूव जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी में ही उसको निकाला सकता, नहीं तो निकाला नहीं जाए। अब सरकार क्या करती है कि अपने रखे हुए किसी भी बंदे को नहीं निकालती, कोई बताया क्यों नहीं निकालती, क्योंकि ये माना जाएगा कि उसने जब बंदे को रखा था तभी गलत रखा था, तो कहती भाई रखा तो सही था, तो इसलिए वो उसका टाइम पूरा पूरा क्या करती है, कहती भैया काटने दो जब पूरा समय, क्योंकि उनकी खुद के डिसीजन डाउटफुल हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। अब है जो इनकी पावर्स क्या होती हैं, इनकी पावर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ज्यूरिसडिक्शंस पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स। इस बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि डीआरटी और डीआरएटी सरफेसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आंसर करिए। इसमें तो सर ओनली सिक्योर लोन लिए जाते हैं, सरफेसी है में तो सिक्योर जो होते हैं ना लोन वही लिए जाते हैं ना, डीआरटी और डीआरटी में तो नहीं, अनसिक्योर लोन। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सरफेसी के लिए डीआरटी या डीआरएटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू बैंक है ना, क्योंकि उनके उनकी कानूनी लड़ाई जब लड़नी होती है तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, इन्हीं डीआरटी कोर्टों में आना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों लिंक है डीआरटी डीआरएटी से, ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें ज्यूरिस्डिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल, कि उनका ज्यूरिसडिक्शन, देखो ज्यूरिसडिक्शन जब भी किसी क्वेश्चन में आए इसका मतलब ये है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, अमाउंट टाइप एरिया, कौन कितने अमाउंट तक का किस तरह के और किस एरिया के केसेस को वो सुन सकते हैं, वो उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन में बोला हुआ है ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल डेट फ्रॉम विच दे फंक्शन इज डिक्लेयर्ड नोटिफिकेशन, जिस दिन से वो अपॉइंटमेंट होता है उनका तब से वो अपनी एक्सरसाइज पावर अथॉरिटी सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ऑलरेडी सीन टू हैव ज्यूरिसडिक्शन और ट्रिब्यूनल द क्लेम फॉर रिकवरी और डेट मस्ट बी अबव ₹10 लाख। अब ये 10 लाख की जगह कितना हो गया, 20 लाख। 20 लाख इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा आगे, चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल अपील ट्रिब्यूनल इज गिवन पावर टू द सुप्रिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ट्रिब्यूनल्स अंडर द, मीन्स जो ड्रैट है डीआरएटी है वो डीआरटी का सारा फंक्शन अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक
है, चेयरपर्सन कैन ट्रांसफर एनी एप्लीकेशन फ्रॉम, मतलब एक डीआरटी से, एक पीओ से दूसरे पीओ को वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेट में कितनी डीआरटी होती हैं? रहेगी। दो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बिल्कुल, चार भी हो सकती है। बहुत छोटे स्टेट हैं, वहां पर उनकी डीआरटी वहां ना चल के किसी बगल के स्टेट में चलती है। और जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी है, वहां पर दो बेंच, एक लखनऊ में है, एक इलाहाबाद में है। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से एमपी में शायद तीन है। फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रिब्यूनल, उसको अपॉइंटेड डे बोलते हैं, नो कोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन पावर। तो रिकवरी केसेस, जो ₹20 लाख से ऊपर के केसेस हैं, वो सब केसेस अब कहाँ जाएंगे? डीआरटी में जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। सिविल कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी विल लूज एंड विल नॉट हैव ए ज्यूरिसडिक्शन फॉर द केसेस वेयर ड्यू अमाउंट इज रिकवर अबाउट 20 लाख। ठीक है, अब एक और बोला, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कोर्ट एक्साइजिंग द 226 एंड 227। ये 227 नहीं होता है, 32 होता है। ये 227 लिखा बुक में, देखिए तो। यस सर, हाँ, ये 32 होता है। जो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो कौन से एक्ट में जाते हैं? आर्टिकल में 32 में जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में जाते हैं 226 में जाते हैं। टाइपिस्ट ने भी क्या करा होगा, उसने कहा पहले 226 है, आपकी 227 होगा, है ना? सर 227 ही है बुक में। है, लेकिन गलत लिखा हुआ। 227 आर्टिकल कुछ और है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो आर्टिकल है वो 32 है। ओके सर, द रेलिवेंट डेट फॉर बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट ए डेट व्हेन द एक्ट केम इनटू एप्लीकेशन, द डेट सिंस, देखो जब एक्ट आया उससे मतलब नहीं है, जब ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड हो गया उस एरिया में। जैसे अगर किसी एरिया में पहले डीआरटी नहीं था, पता लगा वो आया 2020 में बना वहां पे, तो जब वो बना तब से वो सारे केस लेगा, उससे पहले के केस वो नहीं लेगा। ठीक है, बट ए क्वेश्चन केम वेदर द ऑर्डर पास बाय द सिविल कोर्ट आफ्टर कमिंग इन टू डीआरटी इज वैलिड ऑन ज्यूरिसडिक्शन और नॉट। तो इसमें कहा कि ऑर्डर पास बाय सिविल कोर्ट प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट वाज वेल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन, मीन्स अगर 2019 में उसने पास किया है तो चलेगा, अगर उसने उसके बाद में पास किया तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो है वहां पर कोर्ट स्टेब्लिश हो चुका है। तो सर सिविल कोर्ट से जितने केस होंगे इसके बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, और उसमें कुछ और बातें भी हैं, जैसे सिविल कोर्ट की फीस जो दे रखी थी वो उसको दोबारा यहाँ फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने फीस वहां पर दे दी थी। ठीक है, कोर्ट फीस होती है ना केस लड़ने के लिए, केस जब भी डालते हैं तो कुछ फीस लगती है कोर्ट में। चलो, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, द पर्पज ऑफ फॉर फिलिंग एप्लीकेशन दैट ड्यू टू द प्रोसीजर हैज टू फॉलो प्रॉपरली। ठीक है, और यहाँ पर है, एनी पर्सन एंटिटी इट मे मेक एन एप्लीकेशन 1991 में वो अपने जुरिसडिक्शन के एरिया में एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस ऑन पर्सनली वर्क। तो क्या क्या चीजें कि एरिया जो जिस जो वहां जाएगा वो या तो लोन के समय वहां पर रह रहा हो, या वहां पर बिजनेस कर रहा हो, या वहां पर काम करता हो, या वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट। तो उसमें क्या बोला हुआ उसने कि रिजाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द लोन कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली ओवर, तो उनमें से कोई एक रहता हो, या कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज हो, मीन्स ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए तीन बातें बोली, लोन लेने वाला वहां रहता हो, वहां काम करता हो, या वहां पे पर्सनली वर्क करता हो। ठीक है,
दूसरा एक से ज्यादा कोई रहता हो, मान लिया तीन लोगों ने लोन लिया, तो उसमें एक भी अगर वहां रहता होगा तो वहां एप्लीकेशन दी जा सकती है, और जहां पर ये लोन वगैरह की घटना घटी है उनमें से किसी भी एरिया में वो फाइल अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फाइल्ड एप्लीकेशंस इट फ्रॉम द सेम पर्सन अनदर बैंक और इंस्टीट्यूशन हैज आल्सो टू रिकवर डेब्ट, देन सच लेटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे ज्वाइन द एप्लीकेंट। अब इसमें बोला हुआ कि मान लिया एक एप्लीकेशन उसने दे रखी है, एक एप्लीकेशन बैंक ने दे रखी है, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों लोग को एक ही एप्लीकेशन में ज्वाइन करा दिया जाता है, क्योंकि एक ही से मतलब है। इन ऑलरेडी फाइल्ड एप्लीकेशन एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मीन्स पहले से कोई एप्लीकेशन चल रही है, मान लिया बैंक ने केस किया हुआ है, अब आप उस पर अपनी एप्लीकेशन डीआरटी को देना चाहते हैं, तो जो केस चला था उसी के साथ ज्वाइंट कर ली जाएगी, अलग अलग नहीं सुना जाएगा उसको, क्योंकि एक ही मैटर के है ना। इसलिए एवरी एप्लीकेशन एकम्पनीड बाई सच डॉक्यूमेंट सच फीस जैसा भी हो, हाउ एवर वेन सिविल कोर्ट सिविल सूट ऑलरेडी फाइल्ड इज ट्रांसफर टू ट्रिब्यूनल नो फीस इज रिक्वायर्ड, जो मैंने भी बोला था आपको। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेंटी फेड ऑलरेडी पेड, ये मैंने बताई दिया था आपको। हैज टू इशू समन्स टू द डिफेंडेंट रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन 30 डे ऑफ द सर्विस ऑफ द समन एज टू वाई द रिलीफ इन। तो उसमें वो कहता है भैया एक चिट्ठी आपको दे रहे हैं, आप आके बताओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, जिसने चिट्ठी दी है उसको हम उसके उसकी बातों को सुनकर डिसाइड करेंगे। द डिफेंडेंट हैज टू प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑन और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच टाइम द ट्रिब्यूनल में परमिट। इफ द डिफेंडेंट क्लेम्स एनी अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड टू हैव ए सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेंट डिमांड विद असर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाई हिम फ्रॉम सच एप्लीकेंट। तो यहाँ पर क्या है बोल कि कई बार क्या होता है कि टू हैव ए सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेंट डिमांड विद असर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाई हिम फ्रॉम सच एप्लीकेंट द डिफेंडेंट ऑन द फर्स्ट डेट शुड मेक सच क्लेम इन द रिटन स्टेटमेंट। इफ क्लेम इज नॉट मेड ऑन द फर्स्ट हियरिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट इट कैन बी मेड ओनली बाय परमिटेड बाय द। तो उसने कहा जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय उसने बोला कि आपको अगर उससे कुछ देना है लेना, मैंने मीन्स आपने अपना क्लेम किया कि बैंक वाले मुझसे पैसा लेने आए, लेकिन आपने अपने जनरेटर का किराया लेना था उनसे, तो उसने बोला जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो अपनी लेनदारी देनदारी की इंफॉर्मेशन दे दे उनको, कल को नहीं कहें कि साहब इसने भी 2 लाख रुपए मुझे देना है। ये पॉइंट समझ में आया? बैंक ने 2 लाख का केस लगाया, 20 लाख का लगाया, उसने कहा कि साहब 5 लाख रुपए जो है इसने हमारा जनरेटर लगा रखा था उसका किराया देना है। तो जब वो अप्लाई करेगा, भाई बैंक ने तो 20 लाख का केस लगा दिया, जब वो पहली बार जाएगा कोर्ट में तो बोलेगा साहब इन्होंने भी मेरा 5 लाख देना है। तो इसीलिए बोला टू हैव ए सेट ऑफ अगेंस्ट मीन्स सेट ऑफ का रूल यही तो होता है। सेट ऑफ का रूल क्या होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ने कि सेट ऑफ और अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है, तो इसमें बता देता हूं मैं आपको कि सेट ऑफ तो होता है जो पैसा आपके पास पहले से रखा हुआ है और अपने कर्जे के अगेंस्ट उसको सेट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। अप्रोप्रिएशन ये होता है कि पैसा रखा नहीं है, पैसा वो दे रहा है लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्पस से दे रहा है। तो जब वो स्पेसिफिक पर्पस से देता है तो आप उसके पैसे को सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसे अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर ने बोला आपको कि इसका पर्पज ये है और आपने एक्सेप्ट किया हुआ है तो आप उसको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। व्हेन द रिटन स्टेटमेंट कंटेन्स क्लेम एंड सेट ऑफ,
कि क्लेम भी है सेट ऑफ भी है। द रिटन स्टेटमेंट हैज द सेम इफेक्ट एज ए प्लांट ऑफ क्रॉस सूट, मीन्स एक ने दिया एक ने लिया, दोनों बात हो रही है तो क्रॉस सूट बोलते हैं। सो एज टू एनेबल द ट्रिब्यूनल टू पास फाइनल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम ऑफ सेट ऑफ, वो सब देख कर करता है। ए डिफेंडेंट ऑन इन हिज एप्लीकेशन इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग ए सेट ऑफ अंडर सेक्शन मे सेट अप ए काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ, मीन्स कहते क्लेम किया फिर काउंटर क्लेम किया। सच काउंटर क्लेम कैन फॉर एनी राइट ऑफ क्लेम और कॉज ऑफ एक्शन एक्रूइंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट एन एप्लीकेशन, बट सच कॉज मस्ट बी एक्रूइंग देयर बिफोर एंड आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट बिफोर द डिफेंडेंट सबमिटिंग द, मीन्स किसी के डिफेंस में स्टेटमेंट देने से पहले आपको अपना जो भी लेनदारी देनदारी बतानी होगी। द काउंटर क्लेम कैन बी फॉर डैमेज, और उसके बाद आप ऐसा क्लेम भी कर सकते हैं कि इससे मुझे इतना नुकसान हो रहा, वो भी भेज कह सकते हैं उसको। काउंटर क्लेम फाइल्ड द सेम इफेक्ट एज कंप्लेंट इन क्रॉस सूट, मीन्स एक ने कहा कुछ दूसरा कह रहा कुछ, उसे काउंटर क्लेम बोलते हैं। एप्लीकेंट इज एट लिबर्टी टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड एज मे फिक्स बाई द ट्रिब्यूनल, तो वो को काउंटर क्लेम को बोला और रिटन स्टेटमेंट में दे सकता है जब तक कि ट्रिब्यूनल ने टाइम दिया उसको। काउंटर क्लेम को एक बार बताइए ना क्या काउंटर क्लेम ही होता है। मैंने पुलिस से जाके कहा कि इसने मुझे मारने की धमकी दी, पुलिस ने उसको बुलाया, उसने भी एक एप्लीकेशन दे दी कि साहब इसने भी मुझको गाली दी थी, मीन्स एक ने जो क्लेम किया उस क्लेम के बदले में दूसरा क्या कह रहा है उसको काउंटर क्लेम बोलते। तो यहां पे क्लेम से मतलब हुआ भाई मैंने तुम्हारा पैसा लेना है, तुमसे लेना है, उसने कहा नहीं तुमने भी देना है, इस तरह से। इफ द एप्लीकेंट वॉन्ट्स टू कंटेंट that counterclaim made by the defendant ought not to be disposed as the counterclaim but be disposed and ended. अब कह रहा है कि उसने कि एप्लीकेंट चाहता है कि जो ये काउंटर क्लेम है इसको अलग से सुना जाए, ठीक है, मीन्स इसमें मत मिक्सअप किया। तो ही शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द इफेक्ट बिफोर द ट्रिब्यूनल बिफोर द इशू आर सेटल्ड, सेटलमेंट से पहले उसकी एप्लीकेशन को मानते हुए पहले उसकी पहली बात का डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद में दूसरी बात का। द ट्रिब्यूनल ऑन हियरिंग सच एप्लीकेशन मे पास सच ऑर्डर एज इट डीम, जैसा भी चाहे वो ऑर्डर दे सकता है। मे पास एन एंट्री ऑर्डर, ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक पहला सा एक आदेश करता है कि भाई ठीक है तुम अभी ऐसा करो लोन जमा कर दो, बाद में हम सुनते हैं तुम्हारी बात। द डिफेंडेंट और डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग अल्टरनेटिंग, और अगर ये ऑर्डर पास हो गया तो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को वो रोक लेगा ट्रांसफर करने से, एलियनेटिंग करने से, डील करने, मींस अधिकतर ऐसा कब होता है जब प्रॉपर्टी होती है ना कस्टमर की तो हम कोर्ट चले जाते हैं, डीआरटी जाते हैं, तो जब डीआरटी जाते हैं तो डीआरटी में हम क्लेम करते हैं और क्लेम करते हैं तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि एक मेरा पहला ऑर्डर है आज की तारीख में कि अब आप उस प्रॉपर्टी को डील नहीं करोगे अभी जब तक हम फाइनल ऑर्डर ना दें, ठीक है। डीआरटी अपने ऑर्डर कितने दिनों में फाइनल कर देती है, क्वेश्चन है आपके लिए। 30 डेज, 30 तो कम हो गया थोड़ा, 90 डेज, 90 है और 180 है, ठीक है, थोड़ा आगे आके देखेंगे, मैं भी भूल जाता हूँ ना बीच बीच में, ठीक है, फैक्ट है ना ये, तो फैक्ट जो दो तीन बार देखेगा तो याद होते हैं उसको, तो अभी हम देखते हैं आगे आएगा है। एट एनी स्टेज प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड द एफिडेविट अदरवाइज डिफेंडेंट द इंटेंट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्ट डिले ऑफ द फ्रस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर रिकवरी डेट मे बी पास बाय, तो कई बार वो क्या होता है कि सामने वाली पार्टी कोई ना कोई बहाना मारती रहती है,
तो अगर उसे लगता है कि बहाना मार रही है तो ऑर्डर निकाल देती है, भैया इसको कहने दो ऑर्डर दो। इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल ऑफ वार, वो कहते हैं कि भैया डिस्पोज कर दो। इज अबाउट टू रिमूव होल और एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट। इज लाइकली टू कॉज एनी डैमेज और मिसचीफ ऑफ द प्रॉपर्टी और इफेक्ट मिसयूज, मीन्स जब वो उसे लगता है कि ये जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है, रिमूव कर सकती है, डैमेज कर सकती है, तो उस समय जो है इमीडिएट ऑर्डर निकाल देती है। इफ डिफेंडेंट फेल्स टू सो कॉज, वाई शुड नॉट फर्निश द सिक्योरिटी टू फेल फर्निश सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, ट्रिब्यूनल में पास द ऑर्डर अटैचमेंट द होल एंड पार्ट ऑफ। अगर वो उसका पैसा उसे नहीं देता है तो वो अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर देती है कोर्ट, ठीक है। When the applicant wants that properties of the defendant should be attached, he is required to specify the property required to be attached. तो जब वो require attachment की बात करती है तो बताती है कि कौन सी property को आप attach करें, ठीक है। तो उसे बताना पड़ता है कि भैया ये वाली property को आप attach कर लीजिए जिसकी value उसके बराबर होनी चाहिए। The tribunal can pass an conditional attachment order. होल और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी केस में भी रिक्वायर्ड। हैज कंटेम्पलेटेड दैट अटैचमेंट ऑर्डर कैन बी पास्ड ऑन सेटिस्फाइंग द ट्रिब्यूनल पॉइंट्स मेंशन इन सबसेक्शन एफिडेविट अदरवाइज इफ एनी अटैचमेंट ऑर्डर इज पास्ड विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट। कुछ नहीं, चलो और कोर्ट जो है एक रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, क्यों, जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसका पैसा रिकवर करने के लिए। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द कस्टडी, और प्रॉपर्टी की कस्टडी वालों लोगों को हटा सकती है, भगा सकती है, पजेशन दे सकती है रिसीवर को, कन्फर पावर्स टू द रिसीवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन इन हिज पजेशन फॉर द ब्रिंगिंग सूट डिफेंस फाइल्स एप्लीकेशन। कुछ नहीं। अपॉइंटमेंट ए कमिश्नर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री, जब प्रॉपर्टी कब जाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि एक बिल्डिंग है उसमें 5 दरवाजे हैं, 9 खिड़कियां हैं, उसमें एक अलमीरा है, उसमें गीजर लगा हुआ नहीं लगा हुआ, उन सब चीजों को इन्वेंट्री बनाने का काम कमिश्नर करता है। एक आरसी इशू कर सकती है, और ये आरसी कौन रिकवर करता है जरा बताना आप लोग। आरसी कौन इशू करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और उनके पास कौन होते हैं? रिकवरी ऑफिसर। इज ग्रांटेड अगेंस्ट अ कंपनी अंडर कंपनी, द ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर दैट अ सेल प्रोसीड सच कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिक्योर्ड, मींस कोई कंपनी का मामला होता है तो कंपनी की आरसी इशू करके उसका पैसा वसूल करके जितने बैंकों ने लेना होता है उसको दे देती है। ट्रिब्यूनल में गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ साइड फॉर बीइंग हर्ड, ये तो नॉर्मल कोर्ट का है कि भाई वो सबकी बात तो सुनती तो है ही, और ऑर्डर को जो उसने पास किया है एप्लीकेंट और डिफेंडेंट दोनों को देना होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल हैज टू इश्यू सर्टिफिकेट अगेंस्ट हिज सिग्नेचर अंडर हिज सिग्नेचर टू द रिकवरी ऑफिसर, जो हमने बात की थी। अगर वो लोकल लिमिट में है और ऑफ मोर देन वन ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल इशूइंग आरसी विल सेंड कॉपी टू द रिकवरी सर्टिफिकेट ऑफ ट्रिब्यूनल इन हुज डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स जैसे मान लिया एक प्रॉपर्टी तो दिल्ली में है और एक बॉम्बे में है, तो इधर वाले का तो रिकवरी सर्टिफिकेट यहाँ इशू कर दिया और दूसरी प्रॉपर्टी का वहाँ भेज देती है दूसरे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल विच रिसीव्स अ सर्टिफिकेट फाइंड्स दैट नो ज्यूरिसडिक्शन टू कम्प्लाई विद द सर्टिफिकेट इज सेल रिटर्न, अगर इसको लगता है कि भाई मेरे एरिया में नहीं आता तो इसको वापस कर देता है कि भैया सही जगह भेजो। और उसको जो प्रॉपर्टी होती है उसको डील करना बहुत तेजी से। वो 180 वाला सर अभी ऊपर गया गया ये जो आपने राउंड बनाया ना। हाँ ये देखो उसको 180 दिन का, मैंने बोला था 90 है 180 है, तो डिस्पोज ऑफ फाइनली विद इन 180 डेज, 180 दिनों में उसे
डिस्प्यूट निपटाना होता, लेकिन निपटता नहीं है भाई। मैंने 3-3 साल देखे हैं लगते हुए, क्योंकि वही है, वहां पर भी वकील आते ही हैं, बहाना मार देते हैं कि साहब आज तो ये हो गया वो हो गया, साहब हमें डेट दे दो, तो अगली डेट देता। ठीक है, और वो जो अपने डिसीजन है डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के बेसिस में दे सकता है। अपील की बात आ गई, देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो जरा, डीआरटी ने कोई डिसीजन दिया, ठीक है, और कोई आदमी उससे अग्रीव्ड है, मतलब खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, मेड ट्रिब्यूनल विद इन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज अपील शैल लाई, द अपील इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद इन 45 डेज है, ये ध्यान रखना। डीआरटी से डीआरएटी में कितने दिन है, 45, 45, ठीक है, और इसी 30 अमाउंट है। डीआरटी से डीआरटी में 30 डेज है और सरफेस से डीआरटी में 45 है। आज की क्लास में भी सर ने बताया था सुबह वाली। हाँ जी सर, अगर डायरेक्ट तब सरफेसी से डायरेक्ट अगर जाते हैं डीआरटी में तब 45 डेज है, और डीआरटी से डीआरटी में आएंगे तो 30 डेज। नहीं तो सरफेसी से डायरेक्ट डीआरएटी में थोड़ी जाते हैं, नहीं, अगर सरफेसी में गया ही नहीं बंदा तो। पर्सन एक्टिव टू ऑर्डर ट्रिब्यूनल और डीम टू हैव पास एक्टिव, इसमें एक बात तो यहाँ नई आ गई, उस बात करते हैं अभी। हाउएवर इन ऑर्डर वाज मेड टू ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी, अगर सब लोग उसमें कंसेंट देते हैं तो अपील क्या होगी, नहीं होगी, जैसा कि किसमें होती है, लोक अदालत में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहीं पर भी 30 डेज का नहीं आ रहा है। सर 30 डेज कंफर्म है सर, सही है बिल्कुल, इसमें अपडेट नहीं हुआ होगा। एक केस तो ये होता है कोई सरफेसी का पोजीशन हो गया या नोटिस हो गया तो डीआरएटी में जाना है, ठीक है, और एक है डीआरटी ने डिसीजन दिया उसको डीआरटी। आपके अकॉर्डिंग क्या है, अभी देखते हैं, आप बताओ तो जरा क्या कह रहे हो कि अगर डीआरटी से डीआरटी में जाएंगे 30 डेज है। तो इसमें दो चीज है, कुछ एक जगह 45 डेज भी है। सरफेसी से डीआरएटी में जाने का है 45। हाँ सर, डायरेक्ट भी जा सकते हैं ना डीआरटी में, बैंक नहीं के नोटिस के बाद, बैंक अगर नोटिस देता है। हाँ वही मैंने बोला ना, 13-2 तो 13-4 का नोटिस होगा,
जा सकते हैं। 45 days, within 45 days का है वहां पर। 13-2 के नोटिस के बाद। 13-2 तो नहीं पता क्या है। हाँ, पहला नोटिस जो होता है वो तो 60 days का है। 13-2 नहीं, वो तो उसको बैंक वाला टाइम दे रहा है। हाँ टाइम दे रहा है, उसके बाद फिर 30 days है, प्लस 15 दिन एक और आता है। यहाँ पे 27 का है। ये देखो कुछ आया है। नहीं, कुछ और भी लिखा हुआ है। द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर है भाई, टू DRT कैन बी रिक्वेस्टेड विद इन 30 डेज। क्या जरा जिन लोगों ने क्लास ली जरा देखो, यही बात थी क्या? इसमें फर्क समझ पा रहे हैं? हाँ सर, ये वही है, रिकवरी ऑफिसर नोटिस देगा ना रिकवरी का, उसके खिलाफ रिकवरी ऑफिसर जिस दिन कब्जाने आ जाए या उसके उसमें कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है या कोई बात है, उसको अपील करने के लिए चैलेंज करना, लेकिन उसको DRT में ही चैलेंज करते हैं, लेकिन जजमेंट ऑफ DRT को DR80 में 45 डेज लिखा हुआ सब जगह। यही वाला है सर, ये रिकवरी ऑफिस, इसी में कंफ्यूजन था वो। जिन्होंने क्लास ली थी जरा क्लियर करें बात को, कुछ पॉइंट याद है तो। ध्यान नहीं आ रहा सर एग्जिट पॉइंट, लेकिन वो 30 डेज आ रहा था वहां। तो अभी इसको देख रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं जो दिखा बताया आपको कि रिकवरी ऑफिसर के ऑर्डर को अपील करने के लिए अगर आप DRT जाते हैं तो आपको 30 दिन का समय मिलता है, और DRT से ड्रेड जाते हैं तो 45 दिन का, तो साफ साफ 45 दिन का ही समय है। सर इसमें बायफरकेट भी है ना, 15 डेज का ऐसा कुछ है, कहाँ पर 30 दिन प्लस 15 दिन पहले पढ़े थे सर इस चीज को, 15 दिन किस चीज के लिए दिया जाता है पता नहीं। तीस प्लस 15 वाला तो यहाँ कहीं आ नहीं रहा है। आ रहा है सर, थोड़ा ऊपर देखो तो, ये है ना, ये हाँ, ये 15 डेज नहीं, ये तो नोटिस दे रहा है उसको, वो तो नोटिस दे रहा है कि भैया 15 दिनों में जमा कर दो। रिकवरी ऑफिसर वहां जाके कह रहा है फील्ड में जाकर के कि आप वो करो, जमा करो, ठीक है। तो अभी यही देखते हैं, अभी यही मानते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये 45 डेज ही है, और 30 दिन वाला जो है रिकवरी ऑफिसर वाला है। ऑन रिसीट ऑफ द अपील ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग, तो उसमें क्या करेगा वो जैसा भी सोचेगा काम करेगा, नोटिस देगा,
और अपील जो फाइल करी है उसको जल्दी से डील करना, लेकिन विद इन 6 मंथ, ठीक है। और देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एक्ट फर्दर अपील, अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल ने कोई पास कर दिया तो उसके बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते, और अगर आप जाएंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो अलग से पावर है उसमें जाएंगे, इस केस के जो रिकवरी से रिलेटेड नहीं जा सकते। डिस्पोज ऑफ अमाउंट ऑफ डीआरटी फाइलिंग अपील, और इसमें कहा है कि पेमेंट जो है, देखो यहां इसने बोला हुआ है डीआरटी हैज पास रिकवरी ऑर्डर वांट टू प्रिफर एन अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल, डीआरटी से ड्रेट में जाना चाहता है, तो पहले जो 75% था वो कितना कर दिया है 50%, 50% फास्ट ट्रैक रेमेडी फॉर रिकवरी लोन्स गिवन बैंक फाइनेंशियल द कंडीशन ऑफ 50 डिपॉजिट फाउंड ड्यू बाय द ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ द एक्ट अदरवाइज द रेमेडी ऑफ द अपील विद, तो उसमें कोई जरूरत नहीं होगी। ट्रिब्यूनल की और अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर्स की बात करता है यहाँ पे, वो जो है एग्जामिन कर सकता है पर्सन को, ओथ ले सकता है, डिस्कवरी प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट रिकवरी ये सब कुछ कर सकता है। एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड विद ट्रिब्यूनल कोर्ट लिमिटेशन एक्ट अप्लाई, दिस मीन्स दैट द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल द बैंक एंड फाइनेंशियल विद इन 3 ईयर ऑफ द, मीन्स जब आपका लोन ड्यू हुआ उस ड्यू से होने से 3 साल के अंदर आप कोर्ट जरूर चले जाए। अगर 3 साल के बाद जाएंगे तो क्या होगा, कोर्ट क्या कहेगा आपको, कोर्ट कहेगा अब आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, अब हम आपको नहीं सुन सकते। चलो इसका अगला पॉइंट कवर करते हैं, इसमें जो है कैसे रिकवरी कराता है। सर 45 डेज ही है। हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हुआ होगा ना। हाँ रिकवरी ऑफिसर के नोटिस के लिए 30 दिन और डीआरटी के डिसीजन के लिए डीआरटी में जाने 45 डेज, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं सर, एक जजमेंट में ये 30 डेज दिखा रहा है, अभी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है ग्रुप में, एक बार देखिएगा पेज नंबर 9 पे। चलो व्हाट्सएप अभी मेरा खोलने में टाइम लगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, देखता हूँ मैं उसे। चलो जी सर, मोड्स ऑफ रिकवरी क्या बोला, वो सिंपल सी बात है, जो तरीका आपके बैंक का होता है वही होता है, लेकिन उसको पावर थोड़ा ज्यादा होती है। जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो अटैचमेंट कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, और अपॉइंट ए रिसीवर, रिकवरी ऑफिसर किसी को रिसीवर भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, और बेच भी सकता है, ठीक है। That putting a person in prison for his poverty and consequential inability to pay the contractual liabilities too much violate Article 24 unless there is minimal fair proof of the willful means अब बिल्कुल है ही नहीं उसके पास, सब बर्बाद हो गया, उस कंडीशन में रिकवरी ऑफिसर उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है, लेकिन अगर लग रहा है कि मकान तो बना हुआ है इसका लेकिन ये पैसा नहीं दे रहा है, तो उसे बोलेंगे भाई इसको सेल करके दो, ठीक है। यहाँ बोला डिफेंडेंट इज डिबार्ड फ्रॉम रेजिंग एनी डिस्प्यूट कि रिकवरी ऑफिसर हिसाब लेके आया तो उसके अमाउंट को वो करेक्टनेस के लिए उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। द रिकवरी ऑफिसर ऑल्सो कैन नॉट एंटरटेन एनी ऑब्जेक्शन रेज बाय द डिफेंडेंट, तो और उस पे अगर वो डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन करता तो उसको भी नहीं सुनेगा, कह रहा किनारे हट जाओ हम नहीं सुनते तुम्हारी बात। प्रिजाइडिंग ऑफिसर
इश्यूड अ रिकवरी सर्टिफिकेट इज ऑथराइज टू विदड्रॉ द सर्टिफिकेट, और वो विदड्रॉ करने के लिए और करेक्ट करने के लिए हकदार है कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि रिकवरी ऑफिसर उसके अंडर में काम करते हैं। स्टे की बात आई, इफ सच टाइम इज ग्रांटेड द रिकवरी ऑफिसर हैज स्टे द प्रोसीडिंग फॉर, अगर कुछ समय दे दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसने कहा था हम आपकी पैसा देने को तैयार हैं 20 दिन रुक जाओ, तो रुकेगा अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बोलेगा तो। ठीक है, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको जो है अपील को मॉडिफाई, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या अपील अथॉरिटी उसको चेंज कर देती है, ठीक है, हैज टू अमेंड विदड्रॉ द रिकवरी सर्टिफिकेट ऑर्डिनरी, और कैसे रिकवरी कर सकता है उसमें, वो उतने सब तरीके अपना सकता है जैसा कि इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर करता है आईटी एक्ट में, और उसके अलावा कोई गार्निशी ऑर्डर में जैसे रिकवरी करी जाती है वो भी। If any person receiving the notice is not liable to pay, is not holding anything on behalf of the defendant. However, if it is found the statement false, तो वो कह रहा है कि अगर recovery officer कोई जहाँ जा रहा है वो कहता नहीं हमसे कुछ नहीं लेना है, तो वो एक oath commissioner के सामने statement देता है कि नहीं लेना है, और उसको check किया जाता है, अगर वो झूठा पाया जाता है तो extent of amount payable विच एवर इज लेस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिकवरी ऑफिसर को वो पेमेंट देनी पड़ेगी। इफ एनी कोर्ट होल्ड मनी बिलोंगिंग टू द डिफेंडेंट, रिकवरी ऑफिसर मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर पेमेंट ऑफ, कई बार क्या होता है पैसे किसी कोर्ट में जमा हो जाते हैं पहले से, तो वहां से रिलीज करवा लेगा। इनकम टैक्स के, ये इनकम टैक्स जो बार बार आ रही है ना, इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं आप, कि रिकवरी करने के लिए सरकार ने एक इनकम टैक्स एक्ट बना रखा है, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं रिकवरी करने के लिए, वही हथकंडे डीआरटी के द्वारा अपनाए जा सकते हैं इसमें रिकवरी करने के लिए। ठीक है, जो इनकम टैक्स की बात कर रहा ना, उन्होंने कहा जो भी इनकम टैक्स के प्रोविजन है ऑटोमेटिकली विल बिकम एप्लीकेबल। ये लिखा ट्रीटेड ऑन पार विद द इनकम टैक्स एरियर, मतलब रिकवरी को ऐसा माना जाएगा जैसा कि एक इनकम टैक्स की रिकवरी होती। रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें कहीं लिखा हुआ 30 डे, ये लिखा हुआ 30 डे, ठीक है, और ये अपील करेक्टनेस के लिए भी हो सकती है, इसलिए भी हो सकती है कि भैया हमसे मतलब नहीं है इसका, बहुत सारे मतलब हो सकते हो। पेंडिंग केस ट्रांसफर करने की बात आई, तो इसने बोला कि ट्रिब्यूनल के बनने से पहले, पेंडिंग बिफोर द सिविल कोर्ट, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए कोई फीस देनी आपको नहीं पड़ेगी। और कभी कभी क्या होता है कि एक ये देखो, ये क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा, प्रश्न, द ट्रिब्यूनल में डील विद इट फ्रॉम द स्टेज वेयर इट हैज रीच्ड, मीन्स हाफ जर्नी पर डिसीजन होने वाला था और वो केस सिविल कोर्ट में था, तो सिविल कोर्ट से डीआरटी में आया, तो डीआरटी इसको शुरू से नहीं सुनेगा, जहां तक
प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी उसके आगे सुनेगा। तो इसके लिए एक वर्ड दिया हुआ, देखो ध्यान से देखने रहा, नो डी नोवो, यानी खेल दोबारा शुरू नहीं होगा, खेल दोबारा शुरू नहीं होगा। जैसे होता है क्रिकेट में, आज बारिश हो गई तो कल को क्या होता है, दोबारा शुरू हो जाता है। तो उसने बोला न्यू फ्रॉम द स्टार्ट, यानी डी नोवो का मतलब न्यू फ्रॉम द स्टार्ट, नो का मतलब नो, प्रोसीडिंग स्टार्ट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द केस, द सेक्शन हैज इशू। ठीक है, बात समझ में याद रहेगा ये, नो डी नोवो। अच्छा, एक वर्ड आता है डिक्री और ऑर्डर। डिक्री का मतलब होता है ऐसा आदेश जिसके खिलाफ अब आप आगे नहीं जा पाए, अपील ना कर पाए। देयर इज अ डिक्री और ऑर्डर पास बाय द एनी कोर्ट बिफोर द कमिंग टू ऑपरेशन डीआरटी एक्ट, डिक्री और येट टू एग्जीक्यूटेड डिक्री होल्डर में। आप देखो इसमें बहुत अच्छा इम्पोर्ट आ गया कि सपोज कीजिए 2 दिसंबर 2020 को एक डिक्री का ऑर्डर हुआ, ठीक है, और उसमें लेकिन अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। 3/12/2020 को उस एरिया में डीआरटी आ गई, तो आप डीआरटी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसने वो प्रॉपर्टी बेची नहीं है आपकी, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता तो नहीं जा सकते थे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई, ये सब लोग जो काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन प्रिजाइडिंग ऑफ रिकवरी ऑफिसर, अगर ये काम कर रहे हैं तो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं उन्हें किसी को परेशान करना है, ये किस कैसे कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं। तो ये माना जाता है गुड फेथ में किया गया प्रोटेक्शन, इसलिए इनको क्या दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, देखो ओवरराइडिंग के लिए मैंने कई बार आपको बता दिया कि इससे पहले के इफेक्ट एक्ट, इससे पहले के एक्टों से सुपर हो जाना, बोलता है इट हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, और यही सरफेसी में भी मैंने आपको बताया था। डीआरटी की प्रोसीडिंग कंपनी कोर्ट स्टे नहीं कर सकती। ये आ गया, वो मैंने आपको कई बार ये बात तो बताई थी लेकिन आज सामने आ गई। बोलो जरा जोर से बोलो, ये बात मैंने चर्चा करी थी आपसे कभी, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। ये इसके लिए इन्होंने एक वो सफाई दी है 45 डेज वाले के, मेहताब आलम जी ने, इन्होंने बोला हुआ है कि सरफेसी टू डीआरटी 45 डेज, उसके बाद अगर डीआरटी से ड्रेट में जाना है तो 30 दिन। यानी इनकी बात से ये कन्विंस मैं हो रहा हूँ कि अगर पहले से सरफेसी से डीआरटी आया केस और डीआरटी से ड्रेट में जाता है तो उसमें सिर्फ 30 ही दिन मिलेंगे, जो आप लोग कहते हैं ना सरफेसी से आने के लिए 30 दिन मिलते हैं, कह रहे थे ना कुछ, नहीं सर 45 दिन, या डायरेक्ट सीधे डीआरटी में जा रहे तो भी 45, और डीआरटी टू डीआरटी जा रहे तब 30 डेज, ऐसा पड़ा था। लेकिन ये बात मेरे को थोड़ी सी कन्विंसिंग लग रही है। हाँ सर यही है, मतलब जो 30 डेज है ना डीआरटी से डीआरटी में जाने के लिए 30 डेज,
और इधर अगर करेंगे डीआरटी में डायरेक्ट सरफेसी से तो उधर 35-45 डेज। सरफेसी से डीआरटी अगर आप आए हैं तो उसके आगे डीआरएटी जाते हैं तो आपको मिलने केवल 30 डेज। लेकिन सरफेसी के बिना कोई केस आपका कहाँ लगा हुआ है? डीआरटी में। डीआरटी में और आप उससे डीआरएटी जाते हैं तो कितना है? 45। ये लॉजिकली मेरे को बात सही लग रही, इसलिए लग रही है कि जब सरफेसी से डीआरटी आए थे तो भी आपके पास समय था, आपने कागज अच्छी तरह बना लिए होंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे कन्विंसिंग लग रही है बात। ठीक है, चलो अब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करें तो मैंने बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कह सकता है आपको जहां से अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा आप वहां से करें। ठीक है, देखो क्या है, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विद द परमिशन ऑफ डीआरटी ऑन एप्लीकेशन मेड बाय इट विदड्रॉ द एप्लीकेशन वेदर मेड बिफोर और आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट लॉ फॉर पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर द सरफेसी इफ नो सच एक्शन हैड बीन टेकन अर्लियर दिस मीन्स आपने डीआरटी में कोई केस लगा रखा था और आप चाहते मैं क्या लगा लूं उसमें सरफेसी, तो उसने बोला है कि आपको सरफेसी लगाने की पावर है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि भैया इन्होंने तो डीआरटी में लगाया था अब ये सरफेसी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि बैंक को अपना पैसा रिकवर करना है कि जैसा भी करना चाहे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन मेड अंडर द फर्स्ट प्रोविजो फॉर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द डेटर टू विदड्रॉ एप्लीकेशन मेड इन द इंटरेस्ट शैल बी डेल्ट विद बाय द एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल डिस्पोज विद इन 30 डेज डेट ऑफ प्रोविजन प्रोवाइडेड। आनंद चौहान जी, provided also that case of DRT refused to grant permission for withdrawal of application it shall pass such order after recording the agar wo application ko withdrawal karne ki permission nahi de raha hai kaun DRT to usko reason batana padega। question whether withdrawal of original application was decided by supreme court isne decide kiya kya kiya usne dekho ye hai crux yahan pe क्रक्स सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ इलेक्शन कितने 3 एलिमेंट उसने कहा नेमली एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more रेमेडी जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा हल हो इनकंसिस्टेंट बिटवीन सच रेमेडीज और वो दोनों अलग अलग तरह की हो अ चॉइस ऑफ वन ऑफ देम और आपके पास चॉइस हो इन एनीवन इफ एनीवन ऑफ द 3 एलिमेंट इज नॉट देयर द डॉक्ट्रिन विल अप्लाई मींस आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को अप्लाई करने के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए जैसे कि आपके पास 1 से ज्यादा इलाज हो दोनों इलाज इनकंसिस्टेंसी हो उनमें दोनों अलग तरह के हों और आपको दोनों में से चुनने की पावर हो कंसंट्रेट हो जाइए जितने लोग भी इस समय बात सुन रहे हैं हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 3 लाइनों पे बेस्ड होते हुए आएगा देयर इज नो रिपग्नेंसी नॉर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द 2 रेमेडी देयरफॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन डज नॉट अप्लाई द सरफेसी एक्ट इज इनेक्टेड टू एनफोर्स द इंटरेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट विच बिलोंग्स टू द बैंक्स by virtue of the contract between a party or law essentially the act deals with the right of the secured creditor DRT is a tribunal is a creature of statute it has no inherent power which exists in civil court the object behind the introducing first proviso and the third proviso align the provision of DRT surface act order code of civil procedure in exception the common law principle of non suit hence proviso become a necessity
विदड्रॉल ऑफ ओरिजिनल बिफोर डीआरटी अंडर दिस नॉट ए प्री कंडीशन फॉर टेकिंग रिकोर्स ऑफ द, देखो यही मैंने बताया, देखो इसको सुनो ध्यान से, कि आपने डीआरटी में एप्लीकेशन दे रखी है और आप सरफेसी लगाना चाहते हैं तो आपको अलाउ किया हुआ, क्या किया हुआ, अलाउ किया हुआ है, और ये बोला हुआ है कि आपको सरफेसी से फायदा लेने के लिए प्री कंडीशन नहीं है, किस चीज की, कि आप अपनी एप्लीकेशन क्या करें, विड्रॉ करें, आप उसके बाद भी 13-2 का नोटिस दे सकते हैं। इट इज फॉर द बैंक एफआई एक्सरसाइज डिस्कशन एज टू केसेस इन विच इट मे अप्लाई फॉर लीव एंड इन केसेस वेयर दे मे नॉट बी अप्लाई फॉर लीव विड्रॉ। फर्स्ट प्रोविजो इज एन enabling provision in a view of above judgment a controversy so whatever whether simultaneous action and surfacey act will lie has been set at rest means usne kaha ki simultaneous dono cheezon ko apply karne ki power usme de rakhi hai aur ye doctrine of election kehta hai kya kehta hai ki aap chahe jisse bhi kare तो डीआरटी लगी हुई है वो एक अलग चीज है, तरीका है, और सरफेसी एक अलग तरीका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की और सरफेसी के, इसके लिए सारे रूल्स जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट बना। ठीक है, एग्जिस्टिंग और टू और मोर रेमेडी इनकंसिस्टेंट बिटवीन सच रेमेडी चॉइस ऑफ वन ऑफ देम। ठीक है, और आपके पास इसमें तीन चॉइस कौन कौन सी रखी थी उसने, डीआरटी, सिविल कोर्ट और सरफेसी। चलिए तो आज हम इतना कर रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सीटीआर और एसटी, ये जो जितनी रिपोर्ट जाती हैं एसटीआर एक पोर्टल के थ्रू जाती हैं fin.net गेटवे, लेकिन ये आपके कॉर्पोरेट सेंटर से बोला गया होगा। ठीक है, आप लोग तो अपनी रिपोर्ट उनको देते हैं और वहां से वो आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो तो अभी जो है हम यही रेस्ट करें, कल थोड़ा सा लंबी क्लासेस हम ले सकते हैं, लेकिन कल का दिन है, आप लोग तूफानी पढ़ाई कर लीजिए, और अगर आप अभी पढ़ते हैं तो आप चाहे अभी आराम कर लीजिए, सुबह 3-4 घंटा पढ़िए, 2-4 एक्ट प्योरली पढ़ लीजिए, बी मॉड्यूल जो सॉरी डी सी मॉड्यूल चल रहा हमारा, सी मॉड्यूल में मोस्टली कवर करा दूंगा आपको कल। अगर टाइम मिला तो कुछ और भी करा सकते हैं, लेकिन सी मॉड्यूल में कल पूरा करा दूंगा। सरफेसी का सेकंड लेक्चर भी हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, सी मॉड्यूल में पूरा करा दूंगा, तो इस तरह हमारा सी और डी लाइन टू लाइन कवर हो सकता है। और अगर आपके पास समय मिलता है तो आपको मैंने बोला है कि जो 16, 17, 18, 19 है पुराने लेक्चर से देख लीजिए, इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है, केस लॉ में ये केस लॉ भी अच्छे कवर किए हुए हैं, लेक्चर बड़े हुए आपके इसमें, अभी कराए थे कुछ दिन पहले। चलो फिर कल मिलते हैं, और जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि आप लोग करिए, अगर आपका फर्स्ट सेकंड पेपर नहीं निकला हुआ है तो एक ऑफर निकला हुआ है, उसको आप अपेल कर सकते हैं, और बाकी ये हम लोग संडे शाम तक रखेंगे ऑफर। बाय चांस किसी का रह जाता है और नेक्स्ट टाइम आपको निकालना है तो ऑफर अवेल कर लीजिएगा, 2500 का उसमें सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरी बात कि जो न्यू सिलेबस है उसके लिए अभी नोटिफिकेशन अब थोड़ा सा इस तरह आ गया है, हो सकता है कि नवम्बर का एग्जाम जो आपका नए सिलेबस से हो, तो मेरी रिक्वेस्ट भी मान लीजिए इसको जे आई बी सी आई बी अगले अटेम्प्ट में पास
जेआईबी तो कर लीजिए, सीआईबी अगर मौका मिला तो एक मिल जाएगा, नहीं तो नए सिलेबस से मिलेंगे। ठीक है, जो लोग इस बार जेआईबी कर लेंगे वो सीआईबी जरूर कर लेना, नहीं तो अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, पढ़ाई करिए अब।